अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, घूमते फिरते पेज में इस वक्त हम मौजूद हैं उम्मे हानी के घर हैदराबाद में। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं, थोड़ा ब्लर आ गया है इस वीडियो में, लेकिन मौकफ़ दिखाना लाजमी था। वालिदा से हम खुसूसी बात करके आएँ, तो ये आपको दिखाते हैं कि आज वालिदा ने क्या कहा। अच्छा, आज मैं हैदराबाद में मौजूद हूँ। हैदराबाद से आपको उम्मे हानी के घर से आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खसूसी यहाँ से गया था कराची से उम्मे हानी के घर पर। तो आप ये देख सकते हैं, इस वक्त मेरे साथ उम्मे हानी की वालिदा मौजूद है, उनसे आइए बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वालिदा मौजूद है उम्मे हानी की। पूछते हैं क्या कहेंगे आपकी बेटी के हवाले से। वालिदा का रिश्ता बेटी से ज़्यादा मजबूत इसलिए कहा जाता है कि बेटी वालिदा से ज़्यादा अटैच होती है, क्योंकि वालिद साहब उस दिन कराची थे, आप यहाँ पे थी। आपको कैसे पता चला बच्ची जो है वो घर नहीं आई? आपने बाहर लास्ट जब भेजा था तो आपसे ही होके गई थी, तो ये पूरा माजरा बताएं। सिलाई सेंटर गई थी कपड़े सिलवाने के लिए, क्योंकि कपड़े सिलवाने जा रही हूँ। मैं 2 घंटा हो गए आई नहीं। मैं सिलाई सेंटर गई पूछने के लिए, तो उन्होंने बोला यहाँ तो आई नहीं। फिर किसी महल्ले के लड़के से पता लगा कि उसको ले गए। फिर आपने फौरन पुलिस को इतला की या क्या किया? नहीं, पुलिस को इतला नहीं की मैंने। इसके पापा को बुलाया, मेरे देवर को बुलाया, फिर पुलिस में गए, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी हमारी, FIR नहीं काटी। फिर आपने जो है वो वालिद को इन्फॉर्म किया? हाँ, वालिद उस टाइम कराची में थे, रांची में थे, वहाँ काम करते हैं फरूख का। अच्छा, तो आपकी रात में बच्ची से बातचीत हुई होगी, दिन में बातचीत हुई? कोई बात नहीं हुई बच्ची से, कोई भी बात नहीं हुई। कभी कोई ऐसी बात आपको बताई हो? कि कोई ऐसी बात नहीं हुई मुझसे, तो कोई ऐसी बात ही नहीं करी। अच्छा, तो अब आप क्या अपील करेंगे आगे? मैं अपील ये करती हूँ कि मेरी बेटी को उन जालिमों से छुड़ाया जाए। हमें बहुत याद आती है, ईद भी हमारी बहुत मुश्किल गुजरी हुई है। जब एक बेटी जाती है तो माँ बाप के दिल से क्या गुजरती है वो आप खुद जानते हैं। आपसे कोई रब्ता हुआ है? अभी तो कोई रब्ता नहीं हुआ। नहीं, दूसरी जानब कोई आपसे कहा गया हो सुलेनामा के वगैरह जिस तरीके से? कोई ऐसी बात ही नहीं। अच्छा, कोई बात अभी तक आपकी बेटी आपके नहीं, कोई ऐसे कांटेक्ट में नहीं है हमारी बेटी। वो बात भी नहीं करने देते ना मुलाकात करने देते हैं। अच्छे लोग नहीं है वो, बहुत जालिम है। आप जानते थे पहले? नहीं, जानते ही नहीं है उसको। वालदा से बात हमने की, वालदा का ये कहना था कि आखिर में सिर्फ सिलाई के लिए निकली थी, उसके बाद घर वापस नहीं। 2 घंटे गुजरे, उसके बाद हमने जो है वो वालिद साहब को इतला दी। वालिद साहब उस दिन कराची में मौजूद थे, इसलिए वालिद साहब को इतला दी। पुलिस की जानिब से अभी जो है वो उस तरीके से तावुन नहीं किया जा रहा जिस तरीके से किया जाना चाहिए। तफ्तीशी आफिसर से रबते में ज़रूर हैं, लेकिन तफ्तीशी आफिसर उस तरीके से तफ्तीश नहीं कर रहा जिस तरीके से करनी चाहिए।